नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोश किचन में। जब भी आपके घर में उबली हुई मैकरोनी बच जाए या फिर ज्यादा ओवर कुक हो जाए तो आप क्या करें जिसे आप बना भी ना सकें। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बनाना सिखाते हैं मैकरोनी के पकोड़े। सबसे पहले एक बाउल बची हुई मैकरोनी लीजिए, फिर आप एक बाउल बेसन इस मैकरोनी में मिलाइए, आधा कटोरी सूजी लीजिए, एक बहुत बारीक कटा हुआ प्याज ले लीजिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च लीजिए, चॉप्ड हरा धनिया लीजिए, हरी मिर्ची 2 चम्मच डालिए, आधा चम्मच लाल मिर्च लीजिए, आधा चम्मच धनिया पाउडर लीजिए, स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डालिए, थोड़ा सा जीरा लीजिए, चुटकी भर हींग ले लीजिए, आधा चम्मच चाट मसाला लीजिए। ये सब सामान लेने के बाद इसमें पानी डालकर हाथों की मदद से अच्छे से इसे बैटर को मिक्स कीजिए। इसके बाद आप पैन में तेल डालकर उसे गरम कीजिए। तेल गरम होने के बाद उस बैटर के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर उस तेल में डालिए। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। बाद में इसे छान लीजिए और प्लेट में निकालिए। लीजिए, तैयार हैं आपके मैकरोनी के क्रिस्पी पकोड़े। आप इसे गर्मा गर्म चाय और रेड केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।